Hello everyone, myself Pushari Kathiria. In this video, we discuss the histogram stretching. Okay, in previous video, we discussed the normal histogram. That means how to draw histogram for the particular gray level and particular pixel value for the special gray at special grayscale level. Okay, so now here we used histogram stretching for the हमें क्या करना है उसके pixel value में change नहीं करना है. We haven't changed our pixel value. We change pixel point value. Okay. Suppose कि हमारी जो grey level pixel value थी 40 थी. उस 40 को हमें क्या करना है? Replaced करना है कोई other grey value के साथ. मतलब other grey level pixel value के साथ. Okay. Suppose कि यहाँ पर 0 है. तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 0 होगी तो इस 20 से start होगा. तो उसके साथ हमें क्या करना होगा? Change करना होगा. Swap करना होगा. That means हमारी जो 40 दैट मीन्स जो हमारी हर एक पिक्सेल वैल्यू है वो हर एक ग्रे लेवल को मिल जानी चाहिए. ओके ऐसे हमें क्या करना है यहाँ पर ऑलरेडी है बट हमारे हिस्टोग्राम की सपोज कि यहाँ पर पिक्सेल वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है 50 तो ये जो पिक्सेल वैल्यू है उसको हमें क्या करना है चेंज करना है. दैट मीन्स उसको 0 के लेवल के साथ से लेकर 7 लेवल जो मिनिमम लेवल है उससे स्टार्ट करना है और जो मैक्सिमम लेवल है उस पर ख़त्म करना है. दैट मीन्स हर एक पिक्सेल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और 7 पर ख़त्म होनी चाहिए. दैट मीन्स हमें स्ट्रेच करना है हमारा हिस्टोग्राम जो लो कॉन्ट्रास्ट इमेज होगी. सपोज कि हमारी यहाँ पर लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है तो हमें क्या करना होगा इस पिक्सेल वैल्यू को यहाँ पर से स्टार्ट करना होगा. दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना होगा स्ट्रेच करना होगा. ओके और ये वैल्यू जो है लास्ट वैल्यू लो कॉन्ट्रास्ट में वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट पॉइंट पर हमें क्या करना होगा स्ट्रेच करना होगा. दैट मीन्स ये जो मिनिमाइज हुआ हुआ मैं हिस्टोग्राम है उसको क्या करना है यहाँ पर स्प्रेड करना है. दैट मीन्स दिस कॉल्ड अ हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग. ओके वन वे टू इंक्रीज द डायनेमिक रेंज इज बाय यूजिंग द टेक्निक नॉन एज अ हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग. दैट मीन्स जो लिमिटेड सपोज कि आपकी रेंज है 4 to 6 ओके उसको आपको क्या करना है 0 to 7 में कन्वर्ट करनी है. दैट मीन्स मिनिमम पॉइंट से लेकर मैक्सिमम पॉइंट तक आपको क्या करना है रेंज को स्ट्रेच करना है. सो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर दैट. इन दिस मेथड वी डू नॉट अल्टर द बेसिक शेप ऑफ द हिस्टोग्राम बट वी स्प्रेड इट सो एज कवर द एंटायर डायनेमिक रेंज. ओके हियर वी डोंट अल्टर वी डोंट स्वैप और वी डोंट द चेंज चेंज द बेसिक शेप ऑफ द हिस्टोग्राम. वी सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है स्प्रेड करना है हमारी डायनेमिक रेंज को. सो हियर अवर फॉर्मूला फॉर दैट हियर स्लोप इज इक्वल टू एस मैक्स माइनस एस मीन अपॉन आर मैक्स माइनस आर मीन ओके एंड इन टू आर माइनस आर मीन प्लस एस मीन. ओके सो हियर दिस वन इज अ स्ट्रेचिंग फॉर्मूला. ओके आप यहाँ पर स्ट्रेचिंग भी फॉर्मूला बोल सकते हो स्लोप फॉर्मूला भी बोल सकते हो. सो हियर दिस वन इज अ फॉर्मूला फॉर दैट एस मैक्स इज इक्वल टू मिनिमम ग्रे लेवल ऑफ आउटपुट एस मीन इज सॉरी मैक्सिमम लेवल आउटपुट एस मीन दैट इज मिनिमम ग्रे लेवल आउटपुट आर मीन दैट मीन्स मिनिमम ग्रे लेवल ऑफ इनपुट एंड आर मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ग्रे लेवल ऑफ इनपुट. ओके आर एक वेरिएबल है यहाँ पर आर मीन और एस मीन हमने ऑलरेडी यूज किया है. एस दैट मीन्स आउटपुट आर दैट मीन्स इनपुट. ओके और मैक्सिमम और मिनिमम रेंज है जो हमारी इनपुट लेवल की वो ग्रे लेवल की वो सपोज दिस वन इज अवर ग्रे लेवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड दिस वन इज द नंबर ऑफ पिक्सल फॉर द पर्टिकुलर ग्रे लेवल. दैट मीन्स ग्रे लेवल फॉर द वन पिक्सल वैल्यू फॉर द ग्रे लेवल इज इक्वल टू 0 वो फॉर द ग्रे लेवल 1 पर पिक्सल वैल्यू है 0 ग्रे लेवल 2 पर पिक्सल वैल्यू है 50 ग्रे लेवल 3 पर वैल्यू है 60 50 20 एंड 10 एंड 0. तो ये वाला पिक्सल ये वाला जो हिस्टोग्राम है या तो फिर ये वाली इमेज है वो क्या होगी हमारी लो कॉन्ट्रास्ट. क्यों? क्योंकि पिक्सल वैल्यू 0 और 1 से स्टार्ट 0 से स्टार्ट होते हैं और 7 पर ख़त्म होते हैं बट हमारी पिक्सल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से मतलब यहाँ से सेकेंड लेवल पर स्टार्ट होती है और 6 लेवल पर ख़त्म होती है. दैट मीन्स हमारी एक्चुअल रेंज क्या है 2 to 6 बट एक्चुअल वैल्यू क्या है 1 to 7. ओके सो अब हमें क्या करना है हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग आइडेंटिफाई करना है. तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें आर मिनिमम क्या है
आर मैक्सिमम क्या है, एस मिनिमम क्या है, एस मैक्सिमम क्या है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है. दैट मीन एस मिक्स, एस मैक्स क्या है, जो हमारा आउटपुट लेवल है ग्रे लेवल, ओके, मैक्सिमम लेवल पर, वो हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो एस मैक्स दैट मीन्स आउटपुट लेवल पर जो मैक्सिमम है वो, एस मैक्स दैट मीन्स आउटपुट क्या है, 7, और सॉरी हमारा आउटपुट क्या है यहाँ पर, एस मैक्सिमम दैट मीन्स मैक्सिमम ग्रे लेवल ऑफ आउटपुट इन इमेज. ओके, तो आउटपुट इमेज की मैक्सिमम एक्चुअल क्या है, 7, और मिनिमम क्या है, 0. दैट मीन्स एस मैक्स इज इक्वल टू 7 एंड एस मिन इज इक्वल टू 0. बट हमारी रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, आर मिनिमम, 2 और आर मैक्सिमम 6. क्यों? तो कि 50 है वो यहाँ से एक्चुअल पिक्सेल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ग्रे लेवल सेकंड से. सो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 6 एंड आर मिनिमम इज इक्वल टू 2. ओके, बिकॉज एस मैक्सिमम और एस मिनिमम दैट इज द एक्चुअल वैल्यू एंड आर मिनिमम एंड आर मैक्सिमम दिस वन इज द रेंज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. ओके, सो हियर वी आइडेंटिफाई द आर मिनिमम आर मैक्सिमम 2 एंड 6, आर एस मिनिमम एक्स मैक्सिमम 0 एंड 7, एज वेल एज हियर अवर रेंज. रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, और खत्म कहाँ हो रही है, 6 पर. ओके, सो हियर अवर रेंज आर इज इक्वल टू 2 to 6, आर मिनिमम इज इक्वल टू 2, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 6. ओके, एस एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 0 एंड एस मैक्सिमम इज इक्वल टू 7. तो अब यहाँ पर हमारे फॉर्मूला में सारी की सारी रेंज हमें पता चल गई. ओके, नाउ पुट द वैल्यू फ्रॉम put the value of r minimum, r maximum, s minimum, x maximum, okay, into s formula. So, formula is equal to, हमारा जो स्लोप है वो क्या है, 7 माइनस 0, दैट मीन्स x मैक्सिमम क्या है, 0, s मिनिमम क्या है, 0, और सॉरी x मैक्सिमम क्या है, 7, s मिनिमम क्या है, 0, r मैक्सिमम क्या है, 6, and r मिनिमम 2, दैट मीन्स 7 माइनस 0, 6 माइनस 2, ओके, एंड r एज यूजुअल हम रखेंगे, r मिनिमम क्या है, 2 एंड एस मिनिमम 0. तो हमारी वैल्यू क्या मिल गई, ये वाली. तो आवर फॉर्मूला स्लोप इज इक्वल टू 7/4 इंटू आर माइनस 2. ओके, आर माइनस 2. अब हमें क्या करने है, आर की वैल्यू पुट करनी है. दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 to 6. तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 2, एस इज इक्वल टू 7/4, आर की वैल्यू क्या है, 2, तो दैट मीन्स 2 - 2, तो यहाँ पर 0. तो 0 इंटू 7/4 इज इक्वल टू 0. तो आर 2 की वैल्यू क्या हुई, 0. आर 2 पर एस की वैल्यू क्या हुई, 0. अब आर इज इक्वल टू 3. अब आर की वैल्यू क्या होगी, 3. 7/4, 3 - 2. सो हियर 7/4 इज इक्वल टू 1.75. हियर वी राउंड ऑफ ऑफ 1.75 इज इक्वल टू 2. ओके, उसका राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 2. अब r इज इक्वल टू 4. ओके, नाउ s इज इक्वल टू 7/4, 4, r की वैल्यू क्या है, 4, सो 4 - 2. सो हियर वी डिराइव r इज इक्वल टू 4 एट s इज इक्वल टू 3.5. ओके, सो हियर राउंड ऑफ 3.5 इज इक्वल टू 4. एज यूजुअल वी आइडेंटिफाई द वैल्यू एट r इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 6. Okay, so r is equal to 5, the value of s is equal to 5, and r is equal to 6, the value of s is equal to 7. So here we find the all slope value for the different range. Okay, r2, r3, r4, r5, and 6 पर हमने क्या range identify की है, 0, 2, 4, 5, and 7. Okay, s is equal to 0, 2, 4, 5, and 7. अब हमें क्या करना है, अब हमें change करना है कि हमारी जो पिक्सेल वैल्यू है वो कहाँ पर आनी चाहिए, 0, 2, 4, 5 एंड 7 नंबर पर आनी चाहिए. दैट मीन्स ये जो ग्रे स्केल है, ये जो ग्रे स्केल है 0 नंबर पर, 2 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर और 7 नंबर पर, वहाँ ग्रे स्केल आनी चाहिए. बट कौन सी ग्रे स्केल आनी चाहिए, सो हियर 0 लेवल पर कौन सी स्टार्ट, कहाँ से ओल्ड पिक्सेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 50 से. तो हमें चालू कहाँ से करना है, 50 से. तो 50 वैल्यू कहां पर आएगी, 0 नंबर पर. दैट मीन्स ये 50 है वो कहां पर आएगा, 0 नंबर पर, ग्रे स्केल ऑफ 0. नेक्स्ट है 60.
ओके okay, और हमें कहाँ पर पुट करना है, एस इज इक्वल टू टू, दैट मीन्स ग्रे लेवल पर टू पर हमें यहाँ पर पुट करना है, दैट मीन्स ये 60 है वो कहाँ आएगा, 60 यहाँ पर, ये हमने कहाँ रख दिया यहाँ पर, ये 60 कहाँ आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं नोट डाउन करती जा रही हूँ। भाई सपोज कि यहाँ पर जो मेरा 2 था, ओके okay, जो 50 था, ओके okay, वो 50 वैल्यू कहाँ पर मूव हुई, यहाँ पर, ओके okay? नेक्स्ट मेरी क्या थी, 60 वैल्यू थी, ओके okay? अब 60 वैल्यू कहाँ पर मूव होनी चाहिए, 2 पर, तो वो कहाँ पर है, 2 पर, तो वो यहाँ पर मूव हुई। अब 50 वैल्यू है वो क्या है, 4 पर, ओके, सो हियर ओल्ड वैल्यू इज 50 एट द 4 ग्रेड लेवल, सो नाउ वी मूव टू द 4 न्यू 4 ग्रे लेवल, ओके, सो 50 एज यूजुअल 50। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज 20, ओल्ड पिक्सल वैल्यू इज 20 एंड ओल्ड पिक्सल ग्रे स्केल वैल्यू इज 5, सो हियर वी मूव एट न्यू पिक्सल वैल्यू एज 20 हियर, ओके। नाउ ओल्ड पिक्सल वैल्यू एज ग्रे लेवल एट 6 इज 10, ओके, नाउ वी मूव अवर वैल्यू 10 एज अ न्यू पिक्सल वैल्यू इज 7, ओके, सो हियर वी मूव अवर वैल्यू एज हियर, सो हियर वी आइडेंटिफाई द न्यू पिक्सल वैल्यू फॉर द न्यू ग्रे लेवल, सो हियर एट द 0 ग्रे लेवल वी आइडेंटिफाई द पिक्सल वैल्यू इज 50, एट द 2 ग्रे लेवल वी आइडेंटिफाई द पिक्सल वैल्यू इज 60, एट द 4 ग्रे लेवल वी आइडेंटिफाई द पिक्सल वैल्यू इज 50, 5 ग्रे लेवल वी आइडेंटिफाई द पिक्सल वैल्यू इज 20 एंड 7 ग्रे लेवल वी आइडेंटिफाई द पिक्सल वैल्यू इज 10, सो हियर दिस वन इज द ओल्ड पिक्सल वैल्यू फॉर द सेम ग्रे स्केल लेवल एंड दिस वन इज द न्यू पिक्सल वैल्यू फॉर द न्यू ग्रे स्केल लेवल, ओके, हियर वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर द ओल्ड पिक्सल वैल्यू एंड न्यू पिक्सल वैल्यू, ओके, सो दिस वन इज द ओल्ड ग्राफ फॉर द ओल्ड पिक्सल वैल्यू एंड दिस वन इज द न्यू ग्राफ फॉर द न्यू पिक्सल वैल्यू, हियर 0 to 7 इज द ग्रे स्केल लेवल, सो हियर वी पुट द वैल्यू 0 to 7 एज एक्स एक्सिस एंड 0 to 60 दिस वन इज द पिक्सल वैल्यू एट द वाई एक्सिस, ओके, हियर 0 and 1 have a 0, 0 pixel value. So here we identify 0 and 0 pixel value. After that, 2 have a 50 pixel value. So 2 has a 50 pixel value. So here we pick the line from the 0 to 50. Okay. After that, gray level at 3, they have a 60 pixel value. So here pick the value from the 0 to 60. Okay. After that, 4 gray level, they have a 50 old pixel value. So here pick the value from 0 to 40, okay, sorry 50. After that gray level at 5, we identify the value 20. So here 5 as 20 and 6 as 10, okay. So here our graph is like that, here this, okay. This one is our histogram for the old pixel value. Now we stretch our histogram for the new pixel value. So here our update grayscale level and pixel level. So here 0 is a starting point. So what is the gray level? 0. And what is the pixel value for the 0? This one is the 50. So this one is 50. This one is the pickup from the 0 and end up at 50 level. After that 0. So one pixel value is a 0. After that 2 gray level. We have a 60 pixel, so here this one is the 60. 4 have a 40, 4 have a 50, 5 have a 20, and 7 have a 10. So this one is our new graph for the new pixel. So this one is the stretch histogram for the using a histogram stretching. So this one is the old graph and this one is the new graph. But our old graph is start from the 2. And end from and at 6, but our new graph, new histogram, new stretching histogram is start from the 0 and end at the 7. So this one is the stretching of histogram for the same pixel value at the same gray level. Okay, oh, sorry, at the different gray level. So this one is the histogram stretching using one example. This one is the gray level at the same. Okay, this one is the try out yourself. आपको आपकी मदद से, मतलब आपको अपने आप से ये सॉल्व करना है एग्जाम्पल.
सपोज कि यहाँ पर ग्रे लेवल स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 7 पर. ओके, ग्रे लेवल फॉर द 0 to 3, तो आपकी रेंज क्या आएगी? 0 to 3. बट आपको उसको स्ट्रेच कहाँ पर करना है? 0 to 7. तो आपकी वैल्यू रेंजिंग क्या होगी? 0 to 7. ओके, सो हियर द नंबर ऑफ पिक्सल 109, 1985 एंड 70, बट 4, 5, 6 एंड 7 हैव अ 0 पिक्सल वैल्यू. तो आपको क्या करना है, ये जो पिक्सल वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, स्ट्रेच करके 7 तक ले जाना है. दैट मीन्स आपका ग्राफ को क्या करना है, हिस्टोग्राम को क्या करना है, स्ट्रेच करना है विदाउट चेंजिंग द पिक्सल वैल्यू. ओके, एंड दिस वन इज द आउटपुट और दिस वन इज द आंसर ऑफ मॉडिफाई हिस्टोग्राम और स्ट्रेचिंग हिस्टोग्राम. ओके, सो दिस वन इज द एग्जाम्पल और थियोरी कंसेप्ट ऑफ हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन. ओके, थैंक यू.